देखिए, मुंबई में हम पहला शूटिंग कर रहे हैं और एवरेस्ट भोजपुरी के जितने भी टीम के लोग हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और इसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, कम ही में कर लो। और हमारे लाइफ का सबसे बड़ा वीडियो रहेगा, तीन चार एक्ट्रेस भोजपुरी के और कुछ लोग तो सीरियल वाली भी थी, बट मुझे नहीं पता था, लेकिन बोली थी कि हम भोजपुरी में बहुत सारे स्टारों के साथ काम किए, तो हमें काम करके बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट भोजपुरी से दो मूवी का भी बात हो गया है, तो आप लोग ऐसे ही मोहब्बत मुझे देते रहिए ताकि हम एक से बढ़ के एक गाना करें, फिल्म करें और आप लोगों के दिलों पर राज करें। भैया जितने गाने शूट हुए किस तरह से, कितना महंगा और क्या कैसे कैसे? काफ़ी अब भोजपुरी के लिए, हमारे लिए, अब भी ये नहीं कहेंगे किसी का, सब बहुत सारे सुपर स्टारों का हुआ है और हमारा नहीं हुआ था इससे बड़ा वीडियो, और जो कि हुआ मुझे बहुत खुशी हुआ। तो आप लोग ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए। मुंबई जो जिस स्टूडियो जिस लोकेशन में शूट किया, क्या कहना चाहेंगे? तो मुंबई की सारी लोकेशन, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग काम के दीवाने हैं और सब लोग टाइम टू टाइम काम करने वाले हैं। कहाँ 10 बजे शूटिंग स्टार्ट हुआ तो 10 बजे बंद होना चाहिए और उसी प्लानिंग के साथ सब लोग काम करते हैं, अच्छा लगता है। और क्या बोले, एवरेस्ट भोजपुरी बन क्या कहना चाहें, जिस तरह हम चाहेंगे कि जितने भी एवरेस्ट भोजपुरी को उनके टीम के लोग हैं सबको दिल से धन्यवाद, और हमें चाहने वाले जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है हमारे टीम के लोग हैं, सबसे आग्रह बाकी एवरेस्ट भोजपुरी चैनल के आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और हमने ना भोजपुरी के सारे स्टार के गाना ये पया हुए और ये भोजपुरी के एक बड़ा कंपनी बने और जगह है और सारे भाषाएं में ये कंपनी लॉन्चिंग है और बहुत बड़ी लेवल के लॉन्चिंग है इनका, लेकिन हमारे भोजपुरी में पहला हमारा गाना कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे और आप लोग मोहब्बत दीजिए। डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया जी बारे क्या कहना चाहेंगे? और डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया जी से हमने मिला पटना में, मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है क्योंकि हम मुंबई नहीं रहते थे, लेकिन हमने जब मुंबई आया तो उनके बारे में जाना, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं और हमारे लाइफ के सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने एक बड़ी बड़ी एक्ट्रेस यानी फिल्म भोजपुरी के फिल्म एक्ट्रेस लोगों से हमारा काम करवाए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। कोरियोग्राफर हैं परवीन सेलार जी। हाँ सर भी बहुत अच्छे हैं, वो हमारे पिता से भी बड़े हैं, बट बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब पूरे टीम लग ही नहीं रहा है कि हम ऐसे लोगों के साथ अभी तक काम नहीं किए थे, हमने किया, सब लोग कोऑपरेटिव हैं और सब लोग समझाते हैं और सब लोग अच्छे हैं और मुंबई बहुत अच्छी है। आप और चांदनी जी गाना कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, आप दोनों लोग स्टार हैं? नहीं, पहली बार सुनिए, चांदनी जी बहुत पहले से वो लोग हैं क्योंकि उनका फर्स्ट हम लोग वो थोड़ा उठी थी, एक खेसारी भैया का गाना था, बादशाह बाकर के कोई गाना था, ऐसे ही आदिशक्ति कंपनी में वो डांस की थी, बस गाना बजा के उसी टाइम से चांदनी जी को हम लोग जाने, लेकिन चांदनी जी हमसे बड़ी हैं और बड़ी एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे फिल्में वो किए हैं, लेकिन बहुत ही वो भी अच्छी इंसान है, ये नहीं जानते कि हमारे साथ नए लड़का है, ये है वो है, बहुत कोऑपरेट करके काम कर रही है, हमें समझा भी रही है, तो इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे जीवन में आज तक कोई मुझे काटने वाला मिला ही नहीं, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, पता ना वो गॉड गिफ्टेड है हम कि क्या है, तो ऐसे ही लोग मिलते रहे और हमें आगे बढ़ाते रहे। आज जो गाना शूट हुआ आपका चांदनी जी का, कैसे केमिस्ट्री रही और कितना धमाल मचाने वाला गाना? सब तो गाना धमाल ही मचाता है, गाते समय, लिखते समय, वीडियो बनाते समय, सब जो भी आर्टिस्ट है जिस प्रकार के हैं सब लोग धमाल मचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन कौन धमाल करता है, कौन गाना बजता है, ये पब्लिक पर डिपेंड करता है, तो पब्लिक से आग्रह है कि 10 का 10 गाना सुपर हिट करवाएं ताकि हमारा एवरेस्ट भोजपुरी चैनल पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, जितने जगह भोजपुरी बोली जाती है सब जगह फेमस हो जाए और सब लोग सब्सक्राइब करें और भोजपुरी का सबसे नंबर वन ये चैनल बने। भैया बात करें जैसे जातिवाद गानों से आपको जोड़ा जाता है, भगवान की लड़ाई होती है इधर, ईरान की लड़ाई होती है, कभी कभी लगता है कि आप और खेसारी जी मिल करके भगवान को पछाड़ने के लिए ईरान जिंदाबाद करते हैं? ऐसा बात नहीं है, कोई किसी को पछाड़ता नहीं, सबका अपना अपना टैग है, हम यादव हैं, कुछ लोग पंडित जी हैं, कुछ लोग बाबू साहेब जी हैं, कुछ लोग पासवान जी हैं, कुछ लोग राम जी हैं, मतलब जो भी हैं सब लोग अपना अपना, हम तो बहुत लोगों से बोला, बहुत लोग बोलते हैं टुनटुन यादव जातिवाद करते हो, मैंने बोला आप नहीं करते हो क्या, तो बोलते हैं नहीं, मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम फलाना दुबे है, उसी दिन वो आए थे ओम बाबा, मैंने बोला दुबे क्यों लगाए हो बाबा, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम है, तो मैंने बोला समझो, मैंने उनको बोला कि आप भी जातिवाद करते हो बाबा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया,
बोला कि ये बातें मुझे कोई नहीं बताया था। हमने बोला हम बताते हैं, बता दे ना आपको, आप करते हो, हमारे फैमिली हमारे पूर्वज ने ही जातिवाद किए हैं, सब लोग जाति जाति का नाम ये फलाना सिंह फलाना यादव फलाना पासवान सबका पूर्वज सबके गार्जियन जो भी हैं तो इसी से जातिवाद होता है। तो कुछ लोगों ने अपने टी शर्ट पर यादव जी कोई पंडित जी कोई बाबू साहब कुछ कुछ लिखवा के घूमता है। तो ऐसे ही हम लोग गाना बनाते हैं और हम ही से स्टार्ट नहीं हुआ है, सारे लोग भोजपुरी में ऐसे गाने गाए हैं, हर भाषाओं में गाया जाता है, हरियाणा में भी गाना गाया जाता है, जाट गुजर यादव जो भी है सब पे गाया जाता है। अब बात करें आप और खेसारी जी के काफ़ी तुलना की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो बड़े भाई हैं और हमेशा सपोर्ट किए हैं, और वही नहीं भोजपुरी के जितने भी बड़े हमसे हैं सब लोग हमारे लिए वो गार्जियन हैं, आदरणीय हैं, और सब लोगों ने मुझे मोहब्बत दिया है तभी हम इस जगह तक पहुँचे हैं। जी भैया, अभी खेसारी भैया 2.5 करोड़ की गाड़ी लिए हैं और सुनने वाला पवन जी अब 4 करोड़ की गाड़ी लेंगे, अच्छी बात है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो ये तो इनका जो हमेशा चलता रहता है कंपनी, कुछ नहीं चलता है, लोग चलाते हैं अपना अपना कमाने वाले, जो जितना कमाएगा वैसा रहेगा, अब किसी का प्रॉपर्टी से मुझे क्या मतलब है, लेकिन सब लोग ले 2-4 करोड़ 2.5 करोड़ से क्या होगा, 5 करोड़ से क्या होगा, दुनिया का सबसे महंगा कार लो भोजपुरी के कलाकार ले मुझे और खुशी होगा। क्या टंटू यादव जी कब तक फिल्म एंट्री मारने वाले हैं? वो तो मुझे पता नहीं है, बातें चल रहा है कब मार देंगे ये पता नहीं है, जैसे आप लोग पूछते हैं कि कब तक, जिस प्रकार हमारे जीवन में जिस प्रकार हमें पता नहीं कि हमारी मौत कब हो जाएगी, हम कब बड़े स्टार बन गए ये मुझे पता नहीं था, ऐसे मुझे पता नहीं था, हाँ बात चल रहा है होगा होगा, इस जगत तक आ गए तो जरूर आज न तो कल आएंगे, क्या जी आपको देखते हैं तो बहुत खुशी होता है। गाना हम अभी गाए हैं, गाना है कौन गाना है कौन गाना है हर की लागत तहरा की समत में फांसी लिखल बा ता हमारा राशि में जान बदमाशी लिखल बा अर की सच्चा प्यार करे जे उहे जाने तू खबा प्रेमी के छुटला के अरे प्यार के नाम पर जे टाइम पास कैलस उका जानी फील दिल टूटला के प्यार के नाम पर जे टाइम पास कैलस उका जानी फील दिल टूटला के। और हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे राइटर का है जिसका नाम है सुनील सागर भाई ने हमें इस जगह तक पहुँचाया, हमारे लिए जितना भी हमारा बड़ा गाना हुआ सब भाई का लिखा हुआ है। जी भैया, जैसे आपके गाने काफ़ी मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं, जिन गानों के फैंस ने आपको बड़ा एक सुपरस्टार बनाया है, क्या कहना चाहेंगे उन सब, किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? बस उन्हीं लोग का जीवन दिया हुआ है, अब इससे क्या, वो लोग भगवान हैं, इससे क्या, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। अब अगला मिलियन धमाका कौन से गाना कहने वाला है? अरे जंगल में शेर जैसे राजा चुनाला जिला के अनबान अहिरे कहला आहेरा सब हरी के छुई जे मरी उठा ले मुकाटा गाटा जे धरी हर की पटना से दिल्ली ले गदर हो जाई तू जान हो तहरे लमडर हो जाई। मैं तो बोल ही दिया कि जितने हमें चाहने वाले भाई हैं, हमारे ऑफिशियल को जितने भी सब्सक्राइब किए हुए हमारे श्रोता हैं, भोजपुरी को जितने सुनने वाले श्रोता हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग एवरेस्ट भोजपुरी चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए, इतना सब्सक्राइब करिए, इतना जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि 6 महीना में ये भोजपुरी का बहुत बड़ा चैनल बन जाए, और ताकि ये हमारे भोजपुरी कलाकारों के लिए, सब कलाकारों के लिए महंगा से महंगा, हमने सुना था कि भोजपुरी बहुत सारे जगहों पे 2-3 करोड़ का वीडियो बनता है, एल्बम का गाना शूट होता है, उतना शूटिंग का बजट हमारे भोजपुरी कलाकारों को लगे ताकि हमारा भोजपुरी आगे बढ़े, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, सबको प्रणाम, जितने भी हमारे मीडिया से हमारे गार्जियन हैं हमारे बड़े भाई हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप ही लोग का मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे इस जगह तक पहुँचाया, और जब भी हम मुंबई आए, जब भी हम पटना जाए तो कोशिश करिए कि आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरव्यू लीजिए, हमारे बारे में पूछिए और हमें प्यार आशीर्वाद।